टीम इंडिया ने दिनेश कार्तिक की ताबड़तोड़ पारी के दम पर बांग्लादेश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का फाइनल मैच जीता। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि वो मैच की अंतिम गेंद नहीं देख पाए। रोहित शर्मा ने कहा कि जहां तक अंतिम गेंद की बात है, मैं तो सुपर ओवर की तैयारी करने चला गया था, मैं पैड बांधने चला गया था। मुझे लगा था कि अगर चौका लगा तो सुपर ओवर होने का चांस है। मैंने आखिरी गेंद नहीं देखी थी, लेकिन जिस तरह से ड्रेसिंग रूम में जश्न मनाया जा रहा था, मुझे पता चल गया था कि दिनेश कार्तिक ने छक्का मार दिया है और हम जीत गए हैं। मैच के 18वें ओवर के बाद ड्रेसिंग रूम के माहौल के बारे में रोहित शर्मा ने कहा, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं चल रहा था, जो कुछ चल रहा होगा वो दिनेश कार्तिक और विजय शंकर के बीच में चल रहा था। मैं तो अंदर बैठा हुआ था, लेकिन हम काफी पॉजिटिव थे। जिस तरह दिनेश कार्तिक खेल रहे थे, हम उन्हें लेकर शुरू से ही सकारात्मक थे। रोहित ने कहा कि दिनेश कार्तिक में मैच फिनिशिंग की उनकी काबिलियत और अनुभव को देखते हुए हमने उन्हें रोका हुआ था और उन्हें 7वें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजने का ये फैसला सही साबित हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना ही। क्रिकेट के ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए।